नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज का अपना जो वीडियो होने वाला है वो एक और वीडियो होने वाला है Honor Magic Watch 2 सीरीज का। तो बहुत सारे जो अपने व्यूअर्स हैं वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप इसके जो म्यूजिक ऐप है उसके बारे में डिटेल से कुछ वीडियो बनाइए। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा ही बेस्ड है जो Honor Magic Watch 2 है उसके म्यूजिक ऐप पर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो वॉच है उसके अंदर जो ये म्यूजिक ऐप है इसको ओपन करते हैं। अब इसका ये कुछ बेसिक इंटरफेस आ रहा है जिसके अंदर आप ऊपर की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे जो सॉन्ग उसका नाम आ रहा है और यहाँ पे एक व्हील आ रहा है और यहाँ पे प्ले पॉज के बटन आ रहे हैं। तो यहाँ से हम उसको प्ले पॉज कर सकते हैं म्यूजिक को। तो यहाँ पे ये है साउंड का, इसके थ्रू हम यहाँ पे अपने जो म्यूजिक है उसकी साउंड को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रीवियस का बटन है और ये नेक्स्ट का बटन है। तो यहाँ पे ये नीचे की साइड जो दिख रहा है एक ये टॉगल बटन है, ये इसके थ्रू आप इसको लूप प्लेलिस्ट कर सकते हैं या यहाँ पे ये शफल प्लेलिस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे लूप एक सिंगल सॉन्ग कर सकते हैं और ये प्ले इन ऑर्डर। इसके आगे यहाँ पे ये तीन डॉट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये इस साइड, तो इन तीन डॉट पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं वॉच के सॉन्ग्स सबसे ऊपर। उसके अलावा जो नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है उस पर आप अपने फ़ोन के जो सॉन्ग्स हैं या फ़ोन का जो मीडिया प्लेयर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये थर्ड ऑप्शन है, इसके थ्रू आप यहाँ पे जो ईयरबड्स हैं उनको स्पेशली इस वॉच के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे एक डिलीट सॉन्ग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप जो ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो अभी आप यहाँ पे प्ले कर रहा था वो पर्टिकुलर सॉन्ग डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, तो इस एरो को जैसे मैं इसे स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि जो वॉच के अंदर जो सॉन्ग्स हैं जैसे केदारनाथ मूवी के यहाँ पे दो सॉन्ग्स हैं ये यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस तरह से आप जो अपने वॉच के अंदर के सॉन्ग्स हैं उन सबको, ये देखो यहाँ से आप उनके फोल्डर को पर्टिकुलर सॉन्ग को सबको एक्सेस कर सकते हो। तो इस वॉच की कुछ कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आप इसमें जो सॉन्ग्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस वॉच के अंदर जो आप ये म्यूजिक वाला मेन्यू है ये ऐप है को आप एक तो इसकी ऐप ड्रॉअर है यहाँ पे जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो आप इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप जस्ट ऐसे स्लाइड कीजिए और जो होम स्क्रीन है उस पर ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। अभी जैसा कि मैं इसको जैसे फ़ोन के अंदर के ही सॉन्ग्स चला रहा हूँ तो आप देखिए डायरेक्ट यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से ही उनको हम नेक्स्ट प्रीवियस ये सब कर सकते हैं। और अब भी मैं आपको जो हमारे फ़ोन है उसके अंदर सॉन्ग चला कर सुनाता हूँ। तो अभी जैसे हमारे जो विंक म्यूजिक है मोबाइल का ऐप उसके अंदर ये जैसे सॉन्ग चल रहा है, तो अभी हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं हमारी इस वॉच से। तो वॉच अभी हमारी कनेक्ट है मोबाइल के थ्रू, तो हम क्या करते हैं कि जो वॉच है उसके अंदर म्यूजिक ऐप चलाते हैं, इससे इसको फ़ोन मोड पे डालते हैं। तो ये देखो फ़ोन पे आओ पिया ये सॉन्ग अभी यहाँ पे चल रहा है फ़ोन पे, देखिए पिया आओ थाने। तो इसको प्ले करके देखते हैं, देखो इस तरह से यहाँ, तो देखिए आप इस तरह से इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट कर सकते हैं। जब इस तरह से हम ऑपरेट करते हैं तो जो एक्चुअली साउंड है वो आता है इस मोबाइल से। अगर आप मोबाइल के जो म्यूजिक प्लेयर है उसको यूज़ कर रहे हैं इस वॉच के थ्रू, और जो वॉच के जो सॉन्ग्स हैं अगर आप वो डायरेक्ट वॉच से ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका जो साउंड आएगा वो वॉच के थ्रू ही आएगा। तो अब हम जल्दी से फटाफट आपको दिखा देते हैं कि इस वॉच में किस तरीके से आप जो सॉन्ग्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी जो Huawei हेल्थ ऐप है इसमें जाना पड़ेगा, और इसमें जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है डिवाइस के अंदर। यहाँ डिवाइस के अंदर ये ऑप्शन है म्यूजिक, इसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है मैनेज म्यूजिक क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पे लोड हो चुके हैं। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है कि ट्रांसफरिंग म्यूजिक टू योर वॉच विल ड्रेन द बैटरी फास्टर, टाइप प्लग इन द वॉच बिफोर स्टार्टिंग। तो यहाँ पे आप 2050 MB मतलब अराउंड 2 GB के अराउंड यहाँ पे आप सॉन्ग्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी स्मार्ट वॉच के अंदर। और वो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सीधा सिंपल यहाँ पे नीचे
ऑप्शन दिया हुआ है न्यू एड सॉन्ग का, तो आप एड सॉन्ग कीजिए और उसके बाद आप अपने डिवाइस को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे अलाउ का पूछेगा, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका म्यूजिक है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको यहाँ पे नीचे मतलब सिलेक्ट करने के बाद, सपोज मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर जो टिक का निशान आ रहा है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा वॉच के अंदर। आप यहाँ पे जो ऐप है इसके थ्रू यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं और ये प्लेलिस्ट आप अपनी वॉच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जैसे किसी पर्टिकुलर म्यूजिक को डिलीट करना है तो यहाँ पे जो तीन बटन दिए हुए हैं मतलब थ्री डॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको तो ऑप्शन आ रहा है ऐड टू का, एक आ रहा है डिलीट। जैसे मैं इसको ऐड टू करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए प्लेलिस्ट है कुछ, उनके अंदर आप इनको ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको यहाँ से करके डिलीट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप इसकी जो 2 GB है उसके अंदर जितने सॉन्ग्स आ सकते हैं उतने सॉन्ग्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब रही बात जो आप इस वॉच के जो म्यूजिक है आप उसको जो ईयरफोन है उसके थ्रू भी इंजॉय कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है जो आपके जो ब्लूटूथ ईयरफोन है तो यहाँ पे वॉच करना है। वॉच करने के बाद यहाँ पे ईयरबड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे जो नीचे की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ईयरबड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप जो अपने जो ब्लूटूथ ईयरफोन है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ उसको पेयर कर दीजिए। आज जो ये वॉच का म्यूजिक है आप इसको अपने जो ब्लूटूथ ईयरफोन है उस पर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शन थे इस Honor Magic Watch 2 के जो म्यूजिक प्लेयर है उसके। अगर कुछ चीज छूट गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो चीज बता सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बस ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।